हेलो गाइस, स्वागत है आपका कैपेबिलिटी टू बी मोर में। देखो अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है, इफ आर इज अ रिंग, ठीक है, आर कोई रिंग है सच दैट उसमें ए स्क्वायर बराबर ए है, ठीक है, मतलब ए स्क्वायर का मान ए है, मतलब कोई एलिमेंट का स्क्वायर उसके खुद के बराबर है, ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, तो प्रूफ करके दिखाना है। एक नंबर, ए प्लस ए इक्वल्स टू जीरो होगा बोल के, ठीक है, ए प्लस ए इक्वल्स टू जीरो होगा प्रूफ करके दिखाना है, ठीक। दूसरा, ए प्लस बी अगर जीरो है तो प्रूफ करके दिखाना है ए इक्वल्स टू बी, क्योंकि ऐसे क्या होता है, ए प्लस बी इक्वल्स टू अगर जीरो रहता है तो ए इक्वल्स टू माइनस बी होगा ना, इसको उधर भेजेंगे तो, लेकिन प्रूफ करके दिखाना है ए इक्वल्स टू बी, ठीक है। थर्ड नंबर, आर इज़ अ कम्यूटेटिव रिंग। अच्छा, कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि ए बी इक्वल्स टू बी ए, ठीक है, कम्यूटेटिव का मतलब ए बी इक्वल्स टू बी ए होता है। चलो सॉल्यूशन, ए जो है वो बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है, और क्योंकि ये रिंग है तो हम दो एलिमेंट ले रहे हैं, ए और एक एलिमेंट ए, ठीक है। तो क्लोज़र, क्योंकि ये रिंग है तो क्लोज़र अंडर एडिशन तो होगा इसमें, तो दो एलिमेंट को जोड़ रहे हैं, ए प्लस ए बिलोंग्स टू आर होगा, ठीक है। क्लोज़र, क्लोज़र अंडर एडिशन से उन लोगों का जोड़ जो होगा वो भी आर में होगा। चलो नाउ हम अगर इसका स्क्वायर कर रहे हैं, ए प्लस ए का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि उसमें दिया हुआ है कंडीशन कि ए स्क्वायर जो है वो ए के बराबर होगा, ठीक है, मतलब उसका स्क्वायर उसके खुद के बराबर होगा। तो देखो, ए प्लस ए का होल स्क्वायर उसके खुद के बराबर ए प्लस ए होगा, ठीक है। अब ए प्लस ए का मतलब क्या होता है, दो बार ब्रैकेट में, ठीक है, और इधर इसको उतारे हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव कंडीशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो था प्रॉपर्टी, वो लगाए हैं, ए को इसमें मल्टीप्लाई एक बार, फिर प्लस, फिर इसको एक बार इसमें मल्टीप्लाई। तो देखो, ए बाहर है इसके साथ मल्टीप्लाई, इसमें भी देखो मल्टीप्लाई की है ए, ए को इसमें, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दिया तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इधर भी बीच का प्लस है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब बराबर वाला उतारे हैं। चलो, ए स्क्वायर का तो दिया हुआ कि ए स्क्वायर की जगह ए लिखेंगे, तो ए स्क्वायर की जगह ए, यहाँ पर भी ए, इधर भी ए, ए और इधर ए प्लस ए की जगह ए प्लस ए तो लिखे हैं, और साथ में जीरो भी लिख सकते हैं, प्लस जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से इसका लेफ्ट वाला और इधर का ये वाला कट जाएगा, लेफ्ट लेफ्ट वाला, तो क्या बचेगा, इधर में ये और इधर में जीरो, तो ए प्लस ए इक्वल्स टू जीरो। देखो, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से काटे हैं तो ए प्लस ए इक्वल्स टू जीरो, और यही पहला ला के दिखाना था, ठीक है, पहला हो गया। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या लाना है, ए इक्वल्स टू बी, ठीक है, अगर ऐसा है तो। चलो, क्योंकि हम लोग को मालूम है बाय अबव कि ए प्लस ए इक्वल्स टू जीरो है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। चलो, और उसमें क्या दिया हुआ, ए प्लस बी अगर जीरो है, ठीक है, तो ए प्लस बी बराबर जीरो, तो इस जीरो के जगह, क्योंकि ए प्लस ए बराबर भी जीरो है, तो इस जीरो के जगह ए प्लस ए बैठा सकते हैं। तो देखो, ए प्लस बी बराबर ए प्लस ए लिख दिए हैं, ठीक है, इस जीरो के जगह ए प्लस ए। अब लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ए और ए कट जाएगा तो बी इक्वल्स टू ए बचेगा। तो देखो, तो ए इक्वल्स टू बी प्रूफ करना था तो आ गया ए इक्वल्स टू बी, उल्टा आया है, इसको सीधा करके लिख देने से हो जाएगा। चलो, थर्ड नंबर प्रूफ करना कि कम्यूटेटिव होगा, तो चलो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर उसी के बराबर होगा, दो एलिमेंट लिए पहले तो हम ए और बी, उसका होल स्क्वायर हम दिखाए कि उसी के बराबर होगा ए प्लस बी, ठीक है, उसमें दिया हुआ था ए स्क्वायर बराबर ए। चलो, अब इसकी जगह हम दो बार लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए प्लस बी इन टू में, इसको उतारे हैं, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाए हैं, एक बार ए को इसमें मल्टीप्लाई किए, एक बार बी को इसमें मल्टीप्लाई किए, इसको उतारे हैं, ठीक है। अब देखो, इसमें ए था साइड में, उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ए स्क्वायर प्लस बी ए, ठीक है। देखो, यहाँ पर देखो, इसको इधर मल्टीप्लाई किए तो ए स्क्वायर प्लस ए बी होगा, या फिर ए को मल्टीप्लाई करें बी ए, ठीक है, फिर प्लस इधर ए बी होगा और प्लस बी स्क्वायर होगा, ठीक है। देखो ए बी और प्लस बी स्क्वायर। चलो, अब ए स्क्वायर की जगह ए लिख दिए, बी ए, बी ए को उतारे हैं, प्लस को उतारे हैं, ए बी की जगह ए बी, बी स्क्वायर की जगह बी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर बराबर ए और बी स्क्वायर बराबर बी होगा, और इसको उतारे हैं। चलो, ए को और बी को साथ में लिखे हैं, और बी ए और ए बी को साथ में लिखे हैं, बराबर ये ए प्लस बी को उतारे और प्लस जीरो साथ में लिख सकते हैं। चलो, इधर भी ए प्लस बी, इधर भी ए प्लस बी, दोनों कट जाएगा लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से, तो क्या बचा, बी ए प्लस ए बी बराबर इधर जीरो, ठीक। चलो, अब
बी ए, इसको उधर भेज देंगे। अच्छा बी ए प्लस ए बी बराबर जीरो आया, ठीक है। तो जैसे हम लोग का सेकेंड नंबर हम लोग जो प्रूफ किए, ए प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, तो क्या आ गया, बी इक्वल्स टू ए, ठीक है। तो इसी से हम बोल सकते हैं कि मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो क्या आएगा, ए प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, तो इसका मतलब ए इक्वल्स टू बी आना चाहिए। तो इसका मतलब ए बी इक्वल्स टू इसको बी आएगा, ए बी इक्वल्स टू बी है, इसको उधर भेजेंगे तो सेकेंड से बाय पार्ट टू, ठीक है। अब ए बी इक्वल्स टू बी आ गया, इसका मतलब ये तो कम्यूटेटिव का कंडीशन है, ए बी इक्वल्स टू बी है, इसका मतलब आर इज़ अ कम्यूटेटिव रिंग, ठीक है, प्रूव हो गया। अब यहाँ पर कुछ नोट लिखा हुआ है कि एन एलिमेंट ए ऑफ अ रिंग आर इज सेट टू बी आइडम्पोर्टेंट इफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए। अच्छा, अगर कोई रिंग में ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए है तब उसको हम लोग आइडम्पोर्टेंट बोलेंगे, ठीक है। और अगर कोई रिंग का सभी एलिमेंट, ठीक है, सब एलिमेंट जो है वो इसी फॉर्म में है ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, तब हम बोलेंगे वो जो रिंग है उसको बुलन रिंग बोलेंगे, ठीक है। रिंग आर इज कॉल्ड अ बुलन रिंग इफ ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट आर आइडम्पोर्टेंट, दैट इज इफ ए इक्वल्स ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए,